सोलन के धरपुर में स्वच्छता अभियान की सरेआम धजियां उड़ाई जा रही हैं। यहां सड़क के दोनों किनारे गंदगी का अंबार लगा है और ना तो जिला प्रशासन और ना ही पंचायत कोई भी इस स्वच्छता को लेकर कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। हैरानी करने वाली बात ये तो ये है कि इतने बड़े बाजार में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा तक नहीं है। स्वच्छता अभियान के लिए पंचायत को लाखों रुपए का बजट मिलता है, लेकिन ये पैसा कहाँ लगता है ये किसी को नहीं पता है। व्यावसायिक संस्थानों द्वारा नियमों व कानून को ताक पर रखकर गंदगी फैलाई जा रही है, लेकिन इस पर नजर रखने वाला कोई नहीं है। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। स्थानीय निवासी सैयद एन के गिलानी ने बताया कि धर्मपुर पंचायत को स्वच्छता के लिए इनाम भी मिल चुका है, लेकिन ये चारों तरफ कूड़ा पसरा हुआ है, जिससे प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान भी धराशायी नजर होता आ रहा है। उन्होंने बताया कि शिमला के लिए पटक धर्मपुर से ही होकर गुजरते हैं, लेकिन कूड़े के ढेर देखकर यहां रुकना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने बताया कि धर्मपुर में सार्वजनिक शौचालय की सुविधा तक उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते लोग खुले में ही शौच में जाने के लिए मजबूर होते हैं। यहां पर भारत सरकार की तरफ से इस पंचायत को अवार्ड भी मिला था सफाई के लिए, परंतु यहां पर पिछले कुछ सालों से जो देख रहे हैं हम, यहां पर बहुत ही गंदगी गंदगी है, चारों तरफ गंदगी के ढेर हैं। बाहर के राज्यों के लोग यहां पर आते हैं और हिमाचल का एक यानी एक अक्स यहां से लेकर जाते हैं गंदगी को लेकर। और यहां मस्जिद के आसपास जितने लोग हैं ओपन में वो पेशाब करते हैं, नहाना ओपन में, और इर्द गिर्द जितना भी माहौल है सब ओपन में है। कई बार यहां के लोगों ने, हमने जिला उपायुक्त महोदय को भी हमने लिखा, उनको बताया, जिला प्रशासन को भी हमने लिखा, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को भी हमने बताया, और स्थानीय पंचायत को हम कई बार बता चुके हैं कि यहां सफाई व्यवस्था के कुछ इंतजाम किया जाए। वैसे तो पूरे धर्मपुर के अंदर अगर देखा जाए यहां पंचायत की तरफ से कोई भी शौचालय नहीं है, यहां पंचायत की तरफ से जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इनकी तरफ ये भी तवज्जो नहीं दी जाती है कि किस तरह सफाई रखी जाए।